आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो जो है मैं अपनी और मदर का स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, ताकि आप इस वीडियो से फायदा उठा सके और आपके घर में भी मेरी मदर के तरह कोई अगर परेशान है नसों के दर्द से, नसों के ब्लॉकेज से, नसों में किसी भी तरह के प्रॉब्लम से, तो उनको आप पूरी तरीके से इससे निजात दिला सकते हो। आज मैं आपको वही मदर वाली रेमेडी बताने वाली हूँ कि वो रेमेडी क्या था, क्या उनको बताया जिससे उनको नसों के दर्द में इतना ज्यादा फर्क आया, जिससे उनको कभी पेन नहीं हुआ, पूरी आराम से उन्होंने अपना समय निकाला, और कैसे वो मूव करती थी या स्टेयर्स चढ़ती उतरती थी इतने दर्द होने के बाद भी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, मैं हूं पुनीता जी, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। आज जो इस दर्द के बारे में बात कर रहे हैं उसमें मैं बताने वाली हूँ कि अपने घर की मेरी मदर को जो तकलीफ था, उस तकलीफ को इस रेमेडी से मैंने कैसे ठीक किया, उसके बारे में आपके साथ में आज मैं जानकारी शेयर करूंगी। ये मेरा रियल 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 स्टोरी है, ये मैंने खुद की मदर पे ट्राई किया है। मेरी मदर 74 ईयर्स की है, 74 ईयर्स में उनको इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि वो कहीं मूव नहीं कर पाती थी, उनके लिए उठना, वो झुक कर चलती थी, और आज आप देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा, वो पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है, मूव करती है, घूमती है, फिरती है, सब कुछ करती है। तो अगर आपको भी जानना है कि रेमेडी क्या है तो बने रहिए मेरे साथ, पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरी वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। तकलीफ जिस इंसान को होता है सिर्फ उसको नहीं होती, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को तकलीफ होती है। क्यों? कि जो इंसान तकलीफ में सफर कर रहा होता है उसको तो शारीरिक तकलीफ होती है, लेकिन मेंटली तकलीफ जो है परिवार के जितने लोग हैं सबको होती है। आपने अब तक बहुत सारे रेमेडीज देखे होंगे जिनमें कि दबी नस, ब्लॉक नस, नसों में दर्द के बहुत सारे वीडियो बने होंगे, चाहे फिर वो नस की प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो, और इससे लोग परेशान भी बहुत ज्यादा है, तो वीडियो देखते भी हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि ये वीडियो देखेंगे शायद इसमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होगा जिससे कि मुझे पूरी तरीके से फर्क हो जाएगा और मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। मैंने भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं, मैं मानती हूं कि मैंने जो भी वीडियो बनाए हुए हैं आयुर्वेदा से निकालकर ही बनाए हुए हैं, और वहां जो बताया जाता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। लेकिन तब भी अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया उसके बाद भी आपका जो दर्द है वो नहीं जा रहा है, कहने को लगता है कि ये दर्द की प्रॉब्लम है, हर किसी को है, बहुत ही जनरल है, जहां भी चले जाओ कोई ना कोई दर्द से परेशान है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जिस पर्सन को तकलीफ होती है, जिनको दर्द होता है या तकलीफ होती है, उस पर्सन के लिए खड़े होना, चल पाना, काम कर पाना या फैमिली के साथ समय गुजारना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में खुद है कुछ ऐसे लोग जो कि जिंदगी में नसों की प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहे, बहुत टाइम तक परेशान रहे, लेकिन अब जाकर उनकी जिंदगी में थोड़ा सुकून आया है, थोड़ा चेंज आया है, क्योंकि ऐसा मैंने भी अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करी है जिससे लोगों को फर्क आया है, उसमें है एक मेरी मदर भी। मेरी मदर को शुरू में लेफ्ट लेग में पेन होना स्टार्ट हो गया था और बहुत ही ज्यादा उनको पेन होता था, तो डॉक्टरों को दिखाया, जब डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि सियाटिका की प्रॉब्लम है, कुछ एक्सरसाइज बताया, कुछ दवाइयां दी, और उसके बाद कहा कि ये करते रहिए ठीक हो जाएगा। उसके बाद 1.5-2 साल ऐसे ही निकल गया। उसके बाद फिर जब दिखाया फिर उनको तकलीफ ज्यादा होने लगी, वो कहती थी कि मुझे जो है पीछे के साइड में लगता है कि कोई रॉड लगा दिया है, ऐसा कुछ करकपन सा मुझे महसूस होता है। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो बोन है वो बहुत ज्यादा वीक हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हमने ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो चीजें होती है, चाहे वो विटामिन डी, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन और जो ट्रीटमेंट होती है, वो सारी ट्रीटमेंट उनकी स्टार्ट करी। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिनों तक थोड़ा सा ठीक रहा। कुछ मार्केट में ऐसे आयुर्वेदिक कंपनी भी थी जो कहती थी कि हम रिवर्स कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टरों को, मेरे ख्याल से शायद ही कोई डॉक्टर दिल्ली का छूटा होगा जिसको नहीं दिखाया होगा, शायद ही कोई हॉस्पिटल छूटा होगा जहां नहीं दिखाया होगा, जहां वो रहती हैं वहां भी सभी जगह दिखा लिया, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। उसके बाद मेरी मदर मेरे पास आई रहने के लिए, मैंने ही उनको बुलाया था। आने के बाद मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 3 महीने में जो कि वो 5 मिनट के लिए खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं रहती भी थर्ड फ्लोर पे हूं तो स्टेयर चढ़ने की तो बात ही नहीं होती है, इतनी इम्पॉसिबल चीजें भी वो बहुत आसानी से 3 महीने के अंदर करने लगी। वो बहुत आराम से अपने तरीके से वॉक करती थी, मूव करती थी, पेन उनका पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और उनके जो तकलीफें थी वो तकलीफें तकरीबन पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। उनकी एज अगर बताऊं तो उनकी 74 इयर्स की एज है, और इस एज में रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है।
सबसे पहले तो मैंने, जैसे कि कुछ डॉक्टरों ने भी बताया था, तो मैंने अपनी मदर का क्या किया कि सिकाई स्टार्ट की उनकी। सिकाई में हम क्या डालते थे, मैं डालती थी उसके अंदर में जो सेंधा नमक, एक मुट्ठी सेंधा नमक डालती थी मैं, एक टुकड़ा फिटकरी, इतना बड़ा टुकड़ा फिटकरी का डालती थी, चार चम्मच उसके अंदर मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो मीठा सोडा डालती थी, और दो चम्मच मैं सोंठ का पाउडर डालती थी। गर्म पानी में वो डालकर उसके बाद उनकी पहले मैं मसाज करवाती थी। मसाज करने के लिए मेरे चैनल में बहुत सारे मैंने ऑयल बताया हुआ, यही ऑयल मेरे पास बना हुआ रखा हुआ था और मैंने इसी ऑयल से उनकी मसाज कराई थी। तो आप ये वीडियो जाकर देखिएगा, इसमें मैंने किसी भी वीडियो में से जो भी ऑयल आपको पसंद आता है वो ऑयल आप ले लीजिएगा। उस ऑयल से हमने क्या किया कि हमने किसी को रखा था जो उनकी मसाज करती थी 15-20-25 मिनट, और मसाज करने के बाद 15 मिनट फिर उससे सिकाई करती थी। आपके लिए अगर सिकाई करना पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप गर्म पानी के अंदर ये सब चीजें डालो और उसके अंदर पाँव डालो, अगर आपको पाँव में तकलीफ है तो पाँव डालो, लेकिन अगर सिकाई करोगे तो उसका इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा आएगा। तो उससे सिकाई कराते थे, मसाज कराते थे, ये डेली का नियम था। रात में उनको एक चीज पीने के लिए देते थे, खाना पीना जो ड्राई फ्रूट्स होती हैं, नट्स होती हैं, ग्रीन लीफर वेजिटेबल होती है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, वो सब तो देती ही थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या देती थी उनको, रात को आधा कप बादाम का दूध, उस बादाम के दूध को बॉईल करने रख देती थी, उसके अंदर में मैं डालती थी 1/4 चम्मच जायफल का, 1/4 चम्मच हल्दी का, और 4 स्ट्रैंड में डालती थी केसर का इसके अंदर, और थोड़ा सा आधा कप दूध लेती थी बादाम का, आधा कप इसके अंदर और पानी मिला देती थी, सिम करके इसको छोड़ देती थी, और छोड़ने के बाद जब ये दूध आधा रह जाता था तब उनको सोने से पहले मैं रोज पीने के लिए देती थी। तो ये तो पीने का रेमेडी है जो मैंने आपको बताया, अब मैं लगाने की रेमेडी बता देती हूँ। तो लगाने में मैं क्या करती थी कि उनको मैं जो एप्सम सॉल्ट होती है, ये एप्सम सॉल्ट होती है, आप में से किसी भी दुकान पे जाओगे, दवाइयों की दुकान पे आप कहोगे, बहुत ही सस्ती मिलती है, इतना बड़ा एप्सम सॉल्ट जो है वो सिर्फ 20-25 रुपए का मिलता है। तो आपने ये एप्सम सॉल्ट लेना है, कितना लेना है, ये जो एक टुकड़ा है इसका हाफ टुकड़ा कर लेना है, आधा कप जो है वो चढ़ाना है सरसों का तेल गैस पे, इसके अंदर ये एप्सम सॉल्ट डाल देना है, सिम कर देना है। एप्सम सॉल्ट जब पूरी तरीके से पिघल जाए, आप चाहे तो एप्सम सॉल्ट का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से जब पिघल जाएगा अब इसके अंदर में डालेंगे जो फ्लैक्सीड होती है, फ्लैक्सीड का पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे सोंठ का पाउडर, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठंडा होने देंगे, और जब ये ठंडा हो गया तो अब इसको जहां भी आपको दर्द है, अगर सियाटिका में दर्द है तो आपको पूरे पांव में ये एकदम लेप के तरह लगाना होगा, लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। पहली बार में आधे घंटे के बाद जब आप निकालोगे तो आप रियलाइज करोगे कि शायद आपको दर्द था ही नहीं, अगर कम दिन से आपको प्रॉब्लम है, उम्र आपकी कम है। तो मेरी मदर की उम्र बहुत ज्यादा था इसलिए उनको टाइम लगा, तकरीबन 1.5 महीना लगा उनको ठीक होने में। आप देखिएगा कि आपकी उम्र क्या है, उस हिसाब से जितनी कम उम्र है और जितने कम टाइम से आपको प्रॉब्लम है, ये नसों की दर्द है, आपके नसों के ब्लॉकेज, नसों के दर्द, चाहे नसों में करकपन आ गई है, नसें आपकी कमजोर हो गई हैं, या नसों के अंदर स्वेलिंग, इंटरनल स्वेलिंग है, या नसों के अंदर सिग्नलिंग का पावर कम हो गया है, इनमें से कोई सा भी अगर प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी रामबाण की तरह आप पर काम करेगा। आजमाइएगा जरूर, फीडबैक में मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये रेमेडी करने के बाद आपके घर में आपके बड़े छोटे जो भी हैं तकलीफ में उनको कितना फर्क आया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप फायदा उठाएंगे और बहुत सारे लोगों को शेयर करके उनको भी इससे फायदा उठाने के लिए मोटिवेट करेंगे, ताकि बीमारी हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा सके। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, मेरे लिए ये मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप सब लोग काउंसलिंग करके अपने बीमारी का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप मुझे holistichealthpunita@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, इसमें मेल कर सकते हैं और मेरे साथ काउंसलिंग में अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।